तो गाइस आज का ब्लॉग ऐसे ही बन रहा है बिल्कुल। एंड मैंने मोटर ब्लॉगिंग का सेटअप तो करा था, अब ये वही सेटअप है। एंड आज देखते हैं कि माइक वगैरह तो आज सेट कर रखा है, माइक है नहीं हम पर ढंग का, तो बताना कैसा सही लग रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा उतार के कि कैसा लग रहा है। तो गाइस मैंने देख लिया है बिल्कुल सही चल रहा है तरीके से। एंड ये देख सकते हो आप कैसा लग रहा हूँ मैं इसके अंदर, अभी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आएगा, अब थोड़ा सीधा आएगा। तो एक बार राउंड मार के आते हैं, एक बार देखते हैं, बुलेट चला दिया मैंने तो एक बार राउंड मार के आते हैं कि कैसा लगने वाला है। तो गाइस आप कमेंट में बताना कि कैसी आवाज आ रही है, क्योंकि मैंने एक तो ऊपर से वो भी खोल रखा है, विंडशील्ड भी खोल रखी है, तो मेरे ख्याल से हवा की भी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि माइक थोड़ा सा मेरा ख़राब हो रखा है। बट अब पहली बार मोटर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये ब्लॉग पहली बार बन रहा है मोटर ब्लॉगिंग का, तो बताना आप। एंड गाइस धूप बहुत ज़्यादा हो रखी है, एक बार लंबी रोड पे जाते हैं फिर इसको एक बार खींचा मारते हैं। बहुत बढ़िया साउंड आ रही है इसकी एक तो। इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस वगैरह भी करानी है मैंने अभी। एंड जैसे मैंने यहाँ पे आगे जय श्री राम लिखवाया था, दो तीन स्टिकर लगवाए थे, अभी इसकी और भी मॉडिफिकेशन करवानी है, अलॉय व्हील्स वगैरह लगवाने हैं, तो आप कमेंट में बताना कि अलॉय व्हील्स कौन से लगवाने चाहिए। एंड इसकी एक आगे की जो हेडलाइट है वो हमेशा चलती रहती है, तो वो भी करवानी है, एक बटन यहाँ पे लगेगा जिससे कि वो जो हेडलाइट की लाइट है ना वो ऑन ऑफ हो सकती है उससे। एंड एक क्या नाम है जो अपना इंडिकेटर वाला होता है ना जिससे ब्लिंक करता रहता है इंडिकेटर, वो भी लगवाना है। तो यहाँ से हमने लेना राइट जिससे लंबी रोड आ जाएगी, अभी ग्रीन लाइट ले लेते हैं, खाली रोड है। तो एक बार खींचा मार के दिखाता हूं आपको कितनी देर जाती है। बढ़िया गई है भाई, 80 टच करी थी प्रॉपरली। तो यहाँ पे रुक जाते हैं इतना, बाकी इसमें और मॉडिफिकेशन करानी है, तो आप बताना क्या क्या करा सकते हैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन। और एंड मेरे को एक बार माइक की क्वालिटी और कैमरा की क्वालिटी बताना किस हिसाब से आ रही है, जिसमें मैं आगे थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट कर सकूं, क्योंकि माइक तो मैंने पुराना वाला लगा रखा अपना, वो भी थोड़ा ख़राब हो रखा है। बाकी आज ये मैं चेक करने के लिए आया हूँ, टेस्ट करने के लिए कि कैसे रहता है इसमें आवाज़ कैसे आती है, एंड कैमरा का व्यू क्या रहते हैं होता है। ये अपनी जनरल देवी वाली रोड है पूरी, यहीं पे मेरा जिम भी यहीं पे आता है आगे जाके ना, यहाँ पे अभी एनी टाइम फिटनेस जिम भी आएगा अपना, और मेरे दोस्त भी थोड़े बहुत यहीं रहते हैं। एक और रेड लाइट आ गई है, यहाँ से हम यूटर ले लेंगे क्योंकि ज़्यादा आगे जाना हमारे हानिकारक है। और ये भी सस्ता सा जुगाड़ हो रखा है अभी भी, क्योंकि जो मेरा हेलमेट है ना वो मतलब प्रॉपर इसके लिए सेट नहीं है, जो माउंट है माउंट लगता है प्लेन सरफेस पे, एंड जो मेरा हेलमेट है उस पर ना विंडशील्ड के लिए जो हवा आती है ना उसके लिए जगह दे रखी है, बट वो सीधा है नहीं, इस वजह से मैंने उस पर कार्डबोर्ड लगा रखा ताकि वो प्लेन रहे एंड माउंट लग जाए। ये माउंट टेढ़ा मेरा लगा हुआ है, पर जैसे भी लगा हुआ है अब मैं घर जाके देखूँगा। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो बताना और मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा, एंड आगे मोटर ब्लॉगिंग की वीडियोस भी आएंगी आई, अभी तो मैंने कुछ गियर्स वगैरह भी ले रखे हैं एंड ऐसे ही ये सब कुछ खाली। तो इस मोमेंट में जो ये लेडी थी एफ आई करने चलाते हुए, अगर ये थोड़ा सा और आगे होती तो मैं टपक जाता। ये देख रहे हो ग्रीन लाइट हमारी हो रखी है, रेड लाइट हो रखी है उनकी, फिर भी निकलना है उन्होंने, बाई चांस अभी आगे आ जाती ठुक जाती फिर हमारे पे ब्लेम करती कि ये लग गई है तुमने लगा दी है, खुद नहीं देख रही कि रेड लाइट है,
दो मिनट रुक जाए, दो मिनट से क्या हो जाएगा, दो मिनट रुकने से क्या पता अगले बंदे की जान बच जाए। अब तो मैं पता नहीं ना अगला बंदा आगे से कितनी तेज आ रहा है कितनी तेज नहीं आ रहा। बाकी मैंने जो जुलूस से पहले वीडियो डालनी थी वो भी आ चुकी है मेरे चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड अभी हम यहीं से लेफ्ट लेने लगे हैं, क्या आगे लेते हैं, रुको यार यहीं पे रुकना पड़ेगा, ऐसे अभी रेड लाइट हो गया तो रुकना चाहिए यार। ऐसे अभी ये भी जाने में लगे हुए हैं, बाई चांस आगे से कोई और ट्रक आ गया, जैसे अभी ये ट्रक आ गया, अभी तेजी से ट्रक आ रहा है और रुका नहीं, उसकी ब्रेक लगी नहीं, तो ये बंदे जैसे जा रहे हैं तो इनकी लग सकती है यार बहुत तेज। जैसे मैं रुक गया हूँ बट थोड़ा सा आगे रुकूँ मैं भी, बट फिर भी स्टिल मैं थोड़ा ठीक जगह पर खड़ा हूँ ताकि कोई भी आए तो उसको अपनी जगह पूरी प्रॉपर मिल सके। जैसे अभी ये देखो ये रिक्शा वाला खड़ा है, अब वो उधर से बंदे आ रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रही है, तो ऐसे खड़े हो जैसे कि तो किसी को प्रॉपर दिक्कत भी ना हो और तुम्हें भी ना लगे किसी और को भी ना लगे, क्योंकि बंदे को लगना और बहुत दिक्कत हो जाती है अगर बंदे को किसी को लग जाए ना। बंदा जुगाड़ कर रहा था मैंने, पूरा कार्डबोर्ड लगा रहा माउंट से पाने के लिए, चला ले भरावा। और मैं यही कह रहा था कि अपना ध्यान रखो यार, ढंग से चलाओ। ऐसे अभी आपने देखा कैमरे में एकदम से एक लेडीज आ गई वैगनर लेके, यार उनकी रेड लाइट भी है फिर भी आगे लेकर आ गई, क्योंकि थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए। एक बाइक हमारी ग्रीन, यहाँ से ग्रीन है उनकी रेड है फिर भी आगे लेकर आ गई, बाई चांस यार ये बबल क्यों कर रही है यार, इसको तरीके से चेक करवाना पड़ेगा, बबल कर रही है बहुत ज़्यादा। उस दो चार दिन से मैंने चेक कर रहा हूँ, बबल कर रही है बहुत ज़्यादा, इसका तरीके से चेक कराना पड़ेगा। एक तो हमने यहाँ से लेना है लेफ्ट या आगे चलते हैं रेल रोड की साइड पे चलते हैं, वहाँ पे रिएक्शन रहता है कैसे रहते हैं वाले हैं। तो 21 मॉडल है, मतलब ये सेंसर वाले, ये तो इसमें पटाखे इतने लगते नहीं है, ये सेंसर वाला मॉडल है ना, इसमें पटाखे लगते नहीं है, पटाखे लगाने के लिए अलग से बटन लगाना पड़ता है, बट पटाखे ना ख़राब करते हैं बुलेट को। जैसे अगर जो पुरानी बुलेट भी है या जो भी बुलेट में आप लगाओगे पटाखे ना, वो आपकी बुलेट को हार्म ही करेंगे, उसकी हेल्थ को, इंजन पे इफेक्ट आता है, उसके पिस्टन पे इफेक्ट आएगा, क्लच पे इफेक्ट आएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि पटाखे ना ही मारो। ये अपना आ गया दिल्ली हाट, लोग यहाँ पे भी भीड़ लगी हुई है यहाँ बहुत ज़्यादा। इन किसी शॉप से मैंने स्टिकर वगैरह लगवाए थे, मैं अपने दोस्त के साथ आया था जब स्टिकर लगवाने आया था, आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा जब मैंने अपडेट लगाए थे। अगर आपने इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो नहीं कर रखा तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ पर सारा अपडेट दे सकता हूँ मैं, मेरे सारे अपडेट्स वहाँ पे आते हैं रेगुलर के। बाकी जो अगला कट आ रहा है वहाँ से हमने लेफ्ट लेना है, तो आपको दिखाता हूँ और वहाँ पे देखते हैं रिएक्शन कैसे रहने वाला। मैं इसको बंद ही कर लेता हूँ यार ऊपर से, अब थोड़ा ठीक है। क्या झूला मारा यार। तो यहाँ से हमने लेना है लेफ्ट, यहाँ से हम ले लिया है लेफ्ट एंड ये आ गया अपना जेल रोड, ये पूरी जेल रोड है आगे, यहाँ पे रात तक लगा रहता है। भाई क्या रिएक्शन था लड़की का यार, कैसे देख रही थी इस गाड़ी में जो आगे वेन्यू में है। तो ये जो मेरी बुलेट है ना ये बैकफायर मारती है, ये इसमें पटाखे लग सकते हैं बट उसके लिए ना इंजन पे इफेक्ट आएगा और इस वाली पे तो ज्यादा आएगा, क्योंकि इसमें सेंसर लगे हुए हैं और सेंसर खराब हो जाएंगे तो इंजन पूरा सीज मार जाएगा। जैसे मेरे दोस्त ने भी 19 मॉडल बुलेट ली थी तो उसने सी बेंड पाइप लगाया हुआ मैंने ली थी, उसने सी बेंड पाइप वगैरह सब चेंज करवा लिया, बट मैंने उसे कहा था ज़्यादा पटाखे मत मारियो वरना इंजन सील हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रिएक्शन लेते हैं, लड़का पीछे मुड़ गया पूरा, आंटी देख रही है पीछे मुड़ के, मस्त रिएक्शन मिल रहा है यहाँ पे। तो ये अपना फतेहनगर का गुरुद्वारा, वाहे गुरु वाहे गुरु। यार रिएक्शन देखो लोगों को कितने मस्त आ रहे हैं, यहाँ पे अभी तक लगा हुआ है लंगर, नगर कीर्तन निकला था यहाँ से, उसके बाद अपनी 22 जनवरी का
यार रिएक्शन देख रहे हो लोगों के कितने मस्त आ रहे हैं, इसलिए मैं इस रोड पे आया कि यहाँ पे रिएक्शन। हाँ हाँ देख रहे हो क्या रिएक्शन, बंदे ने पूरा पीछे मुड़ के देखा है। कहीं रुको भाई नाले साइड में, क्या ओनो भाई साहब आप हम तो कुछ है ही नहीं यार अभी। यार इसी बात पे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, एंड बेल आइकन को भी दबा दो ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। एंड यहाँ से हमने लेना है लेफ्ट, बाहर की मेन रोड की साइड पे ले लेंगे हम यहाँ से, जाम बहुत है, या फिर अंदर से लें। यार जाम बहुत है यार यहाँ तो, अंदर से लो क्या? नहीं जाम नहीं है, बस बस वाला जाम बहुत ज़्यादा होता है, बसें पता नहीं कहीं पे भी खड़ी करके निकल लेते हैं बस वाले भी। यहाँ पे खींचा मारते हैं अगर खाली रोड मिलेगी तो, खाली है खींचा मारते हैं यहाँ पे। भाई कितना जाम लगा हुआ है यार यहाँ पे, शिट यार आज 26 जनवरी है, हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को, पर यार इतना जाम। नहीं बांध दिया करो इन बसों से, दूरी बना के रखा करो, जितनी दूर बन सके ना उतनी दूरी बना के रखा करो। यहाँ से हमने लेना है लेफ्ट, एंड यहाँ से ले लिया लेफ्ट, यहाँ सीधा अपने घर की तरफ निकलेंगे। अब हम जितना टेस्ट होना था हो गया, रिएक्शन तो आपके सामने थे, कैसे रिएक्शन से कैसे देख रहे थे लोग कि कौन ही आ गया ये, तो मतलब बहुत मस्त रिएक्शन दिए लोगों ने, मैं तो मोटे व्लॉग ही कर लूँ, इतने मस्त रिएक्शन दे रहे हैं ना लोग। ये देखना देखते नहीं है लोग साइड से कि कोई आ रहा नहीं आ रहा, बस निकलना है अपना। तो बाकी मैं ये कह रहा था जो जैसे हमारे YouTube पे एक और ड्रैगर Z900 करके भैया हैं जो वीडियोस बनाते हैं एज अ राइडर है, वो भी व्लॉग्स करते हैं, उन्होंने भी अपनी जैसे अभी ZX9 ली थी, मैं उनसे भी मिला था अभी थोड़ा टाइम पहले, जैसे वो काम के सिलसिले में कुछ बात हुई थी, बट उन्होंने मेरे को थोड़ी सी टिप्स वगैरह भी दी थी। बाकी अगर दोबारा मिलने का मौका मिला तो ज़रूर मिलेंगे उनसे भी। चलाओ यार रोक के खड़े हो जाते हैं यार ये, हाँ क्या रिएक्शन दिए इस बंदे ने। यार सबका ड्रीम होता है, मेरा भी ड्रीम था भाई पहले ये बुलेट लेने का, सबके ड्रीम बढ़ते रहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए यार इसे मैं नहीं दूंगा किसी को किसी भी हालत में, चाहे कितनी मर्जी बाइक आ जाए, ये वाली तो बुलेट बुलेट है भाई, अपनी बुलेट तो बुलेट ही है, ये मेरे पे ही रहेगी चाहे जितनी मर्जी बाइक आ जाए आगे, या आए या ना आए ये तो हम भी रहेगी, किसी को नहीं बेचने वाला भाई मैं ये। जय श्री राम। तो यहाँ से सीधा क्या, यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं, क्या लीन मार ली है यार। जय श्री राम। तो बाकी अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन को भी दबा देना, और यहाँ पे इंस्टाग्राम का हैंडल भी आ रहा है वहाँ पे भी सब्सक्राइब, वहाँ पे भी फॉलो कर देना, सब्सक्राइब तो यूट्यूब पे होता है वहाँ पे भी फॉलो कर देना, और वहाँ पे भी बहुत सारी मैं रील्स रेगुलरली डालता हूँ, तो अगर वो भी अच्छी लगे तो वो भी लाइक कर देना।